guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to start with study note 3 of direct taxation, that is agriculture income. Now, first of all, we need to know the meaning of agriculture. Now, if you see the Income Tax Act nowhere defines the meaning of agriculture. For that, we need to see one case, that is Raja Binoy Kumar Sahas Roy versus CIT Supreme Court. In this case, the meaning of agriculture is defined. According to this case, agricultural activity is divided into two parts. First is basic operation, second is subsequent operation. Now, what does basic operation means? Basic operation is the operation through which or which is performed before the crop sprouts from land. क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा. Basic operation मतलब ऐसे operations जो कि किए जाते हैं crop sprout होने से पहले. अब sprout होना मतलब land के बाहर आना. हमने seed डाला soil में, उसके बाद वो land के अंदर ही है अभी. उस समय आप जो भी operations करेंगे वो सारे basic operations कहलाएंगे. Subsequent operation क्या है? Subsequent operations are those operations which are performed after the crop sprouts from land. मतलब हमारा जो crop है वो land के बाहर आ चुका है, उसके बाद जो भी operations किए जा रहे हैं वो subsequent operations कहलाएंगे. ठीक है? Examples दिए हुए हैं plugging, tilling, sowing, irrigation for basic operations and subsequent में weeding, tending, cutting, harvesting, digging, soil around growth. ये सारे हमारे subsequent operations के example हैं. अब मेन चीज देखिए, अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन हो रहा है तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंसिडर करा जाता है. इफ वी डिड ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. बट इफ बोथ सब्सिक्वेंट एंड बेसिक ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म देन इट विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो. अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम में कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है. सो देखिए, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1A में डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के. अब इस डेफिनेशन में क्या क्या बताया गया है कि कौन कौन सी चीजों को हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे. फर्स्ट देखिए, कोई भी रेंट या रेवेन्यू रिसीव हुआ है लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और जिसको यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए. एग्रीकल्चर पर्पज क्या है? बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अगर किए जा रहे हैं तो वो हमारा एग्रीकल्चर पर्पस कहलाएगा. वो हमने अभी देखा. ठीक है, कोई भी रेंट और रेवेन्यू लैंड से रिसीव होना चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए और वो लैंड यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए. रेंट जो है वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है. असेसी जो है वो ओनर भी हो सकता है और टीनेंट भी हो सकता है. अब टीनेंट कौन है? जो रेंट पे कर रहा है वो टीनेंट है. वो भी असेसी हो सकता है और ओनर भी यहाँ पे असेसी हो सकता है. नेक्स्ट आता है, कोई भी इनकम डराइव हो रही है लैंड से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके तो वो सब हमारा इसमें कवर होगा. कोई भी इनकम डराइव हो रही है उस लैंड से जिसमें परफॉर्मेंस कौन कर रहा है? कल्टीवेटर या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड. अब देखिए, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कौन है? रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड एक ऐसा पर्सन है जो कि ओनर ऑफ लैंड है. अब उसको हम रेंट जो है मनी में ना देके उसको हम काइंड में रेंट दे रहे हैं. ठीक है, ये दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस लैंड में और ये जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे वो प्रोड्यूस को सिर्फ मार्केट में ले जाने के लिए फिट बनाए. ठीक है, लेकिन कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. अब मार्केट में ले जाने के लिए फिट कब होगा कोई प्रोडक्ट? तो समझ लीजिए, वीट ग्रो किया जा रहा है तो वीट प्लांट में उगा, अब उसके बाद उसको हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो बेचने के लिए. ठीक है, तो वो निकालना, फिर उसके बाद उसको रेडी करना कि उसको हम मार्केट में ले जाके बेच सकें. ठीक है, ऐसी कंडीशन को मार्केट में ले जाके बेचने के लिए अगर तैयार कर रहे हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर करेंगे. लेकिन उसमें कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. अब मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होगी? आप समझ लीजिए, आपने वीट निकाला, वीट को अलग अलग मस्त ब्रांडिंग करके पैकेट्स में पैक करके उसको मार्केट में बेच रहे हैं तो वो मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर कवर होगा. ठीक है, तो वैसी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करना है तो ही वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी. नेक्स्ट आता है, एनी इनकम डराइव फ्रॉम सच लैंड बाय सेल. अब देखिए, उस लैंड में जो भी हमने उगाया उसको अगर आप बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है? कल्टीवेटर, जिसने उगाया वो बेच रहा है उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ उसने उगाया है उसको वो बेच रहा है तो वो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. उसके साथ साथ जिसको रेंट काइंड में मिल रहा है
और वो रेंट वो प्रोड्यूस ही है, समझ लीजिए हमने वीट ग्रो किया था लैंड में और वो वीट को ही एज अ रेंट हम दे रहे हैं जिसको भी हमको रेंट देना है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम रेंट में वो प्रोड्यूस ही दे रहे हैं, तो अगर वो प्रोड्यूस भी वो बेच रहा है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और बेचते समय हमको उसको सिर्फ मार्केट के लिए रेडी करना है, है ना, आपको कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस उसमें नहीं करना। अब मार्केटिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे बताया गया, अगर आप मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उस प्रोड्यूस में या फिर रेंट इन काइंड में जो कि रॉ फॉर्म में बेचा जा सकता है, ठीक है, जिसको रॉ फॉर्म में बेचा जा सकता है उसमें अगर आप कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, इन दैट केस वो हमारा उसमें आपको अलग करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को। अब वो कैसे अलग करते हैं वो हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शुगर कैन है, शुगर कैन को आप ऐसे ही बेच सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, शुगर कैन से शुगर बनाया और गुड़ बनाया, तो इन दैट केस आपने उसमें मार्केटिंग प्रोसेस की। अब मार्केटिंग प्रोसेस की है तो उसको आपको पार्शली एग्रीकल्चर और पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ही उसके बाद इसमें उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कोई भी इनकम डराइव हुई है बिल्डिंग से, अब बिल्डिंग में डराइव हो रही है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी उस इनकम को कंसिडर किया जाएगा एज एग्रीकल्चरल इनकम। क्या क्या कंडीशन है देखिए, बिल्डिंग जो है वो कल्टीवेटर या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने ही ऑक्यूपाई की होनी चाहिए, और जो भी बिल्डिंग है वो इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड होनी चाहिए, मतलब ये समझ लीजिए हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, इस एग्रीकल्चरल लैंड से ही अटैच्ड आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा, और ये इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए और इस बिल्डिंग को भी आप एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए ही यूटिलाइज करने चाहिए। बिल्डिंग शुड बी यूज एज ड्वेलिंग हाउस या फिर स्टोर हाउस या फिर अदर आउट बिल्डिंग की तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बस एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए आपको इसको यूटिलाइज करना है। लैंड जो है वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों जगह सिचुएटेड हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग इसमें लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स लगेंगे, ठीक है। अब ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया क्या है उसको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, तो अब हम वो देखते हैं कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया क्या होंगे। देखिए, म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड है, म्युनिसिपैलिटी में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी, ये सब कवर्ड है, और उसके साथ कंटोनमेंट बोर्ड है, तो इनका जो एरिया है वो तो अर्बन एरिया कहलाएगा ही, उसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है, लेकिन 100,000 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, मोर देन 10,000 और 100,000 तक की अगर पॉपुलेशन है 2 किलोमीटर के अंदर तक, तो वो हमारा अर्बन एरिया कहलाता है, उसके आगे का जो भी एरिया होगा वो रूरल एरिया होगा। सिमिलरली म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया, उसके साथ अगर पॉपुलेशन मोर देन 100,000 है बट लेस देन और इक्वल टू 1,000,000 है 6 किलोमीटर के अंदर, तो वो हमारा अर्बन एरिया कहलाता है, बाकी पूरा हमारा रूरल एरिया कहलाएगा। म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड है, पॉपुलेशन मोर देन 1,000,000 है 8 किलोमीटर के अंदर, 8 किलोमीटर के एरिया में मोर देन 1,000,000 पॉपुलेशन है तो वो अर्बन एरिया कहलाएगा, उसके अलावा बाकी सारे रूरल एरिया कहलाएंगे। अब ये डिस्टेंस मेजर कैसे किया जाएगा, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अगर आप रोड से देखें तो अलग अलग जगह से जाके उसके ये जो हमारा ये किलोमीटर का एरिया है वो बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी हो सकता है, तो उसको मेजर कैसे किया जाएगा, डिस्टेंस मेजर होगा एयरली, ठीक है, एयर के थ्रू मेजर किया जाएगा ये डिस्टेंस, और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया कौन से होंगे, ठीक है। सो 5 पॉइंट्स हमने देखे एग्रीकल्चरल इनकम के, फर्स्ट हमने देखा रेंट और रेवेन्यू से रिलेटेड, सेकेंड हमने देखा इनकम जो भी डराइव होगी एग्रीकल्चर से, थर्ड हमने देखा कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड को जो भी इनकम डराइव हो रही है उस लैंड में परफॉर्मेंस से, वो वाली इनकम भी यहाँ कंसिडर की जाएगी, बस आपको उसको फिट टू बी मार्केट बस बनाना है। नेक्स्ट है इनकम जो भी डराइव हो रही है सेल करके कल्टीवेटर के पास या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के पास, वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे, और जो भी इनकम डराइव हो रही है बिल्डिंग से वो कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे लैंड जो है वो रूरल एरिया में है कि अर्बन एरिया में, ये 5 पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए,
लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप यूज कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो ऑफकोर्स ये बात है अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो उस लैंड एंड बिल्डिंग से जो भी इनकम डराइव होगी उसको एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लैंड बींग लेट आउट फॉर स्टोरिंग क्रॉप. आपने लैंड को दे दिया है रेंट पे किस चीज के लिए, क्रॉप को स्टोर करने के लिए, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम में ट्रीट नहीं किया जाता. नेक्स्ट है बिल्डिंग ओन भी की होनी चाहिए और ऑक्यूपाइड भी होनी चाहिए लैंड होल्डर के द्वारा, अगर वो रेंट और रेवेन्यू रिसीव कर रहा है उस लैंड से. ठीक है, तो किसी को भी अगर रेंट दिया जा रहा है तो वो रेंट किसको देना चाहिए, जो कि ओन कर रहा है और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहा है, तभी उसको रेंट दिया जा रहा है, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा. बिल्डिंग जो है अगर सिर्फ ऑक्यूपाइड ही है कल्टीवेटर या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के द्वारा, तो इन दैट केस ऑक्यूपाइड होना ही बहुत है, उस केस में इसको एग्रीकल्चर इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा. अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब सेल करके, ठीक है, नॉर्मल समझते हैं सेल करके हम उसको बेच रहे हैं और बेचते टाइम हमको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट हमारा एग्रीकल्चरल इनकम में ट्रीट नहीं किया जाएगा. आई होप ये क्लियर हुआ हो. इसके बाद हमारी बुक में बता दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, उनको हम इन डिटेल देख लेते हैं. फर्स्ट है इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चर इनकम किनको किनको ट्रीट किया जाएगा, तो कोई भी इनकम जो कि आपको ट्रेड या फिर कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे कि जूट कॉटन से डराइव हो रही है इनको ग्रो करके, तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी. कोई भी इनकम जो कि आपको डराइव हो रही है फ्लावर्स ग्रो करने से या क्रीपर्स ग्रो करने के लिए से, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में कवर होगा. प्लांट जो आपने एज पॉट्स बेचा है, बस आपने उसमें बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए होने चाहिए तब आप उसको एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट कर सकते हैं. रेमुनरेशन या इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर को. अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करती है, उसकी जो भी रेमुनरेशन दी जा रही है उनके पार्टनर्स को, ये सैलरी भी हो सकता है कमीशन भी हो सकता है, वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा. कोई फर्म वो क्या कर रही है, वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, तो जो भी रेमुनरेशन या सैलरी कमीशन जो भी दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर पार्टनर को उस फर्म के, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट की जाएगी. नेक्स्ट, अगर आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर को एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही ट्रीट किया जाएगा. इनकम मिल रही है ट्रीज को बेचने से. अब वो ट्रीज कहीं और फॉरेस्ट में उगे थे, अब आप उनको रीप्लांट कर रहे हैं और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो हमारा एग्रो इनकम कहलाएगा. कंपेंसेशन मिला है इंश्योरेंस कंपनी से किस चीज के लिए, हेल स्टॉर्म से आपके ग्रीन लीफ टी गार्डन के खराब हो गए, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपेंसेशन दिया है, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट किया जाएगा. लेकिन इस कंपेंसेशन में कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इनकम का नहीं होना चाहिए. अगर आप उसको, मतलब उस टी के लीज को यूज करके कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका भी कंपेंसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो इन दैट केस वो एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 8 मैन्युफैक्चरिंग इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम में कंपेंसेशन जो कि इंश्योरेंस कंपनी दे रही है उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है एनी फी जो भी आपको मिल रहा है लैंड से, एनी फी जो कि आपको मिल रहा है ग्रेजिंग ऑफ कैटल से, मतलब आप अपने लैंड में कैटल्स को ग्रेस करने के लिए फ्री चार्ज कर रहे हैं जिसके भी वो कैटल्स हैं उनसे, तो वो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में ही ट्रीट किया जाएगा और एग्रो इनकम कहलाएगा. लेकिन वो लैंड किस चीज के लिए यूज होना चाहिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए. ठीक है, कोई भी इनकम जो डराइव हुई है सैपलिंग या सीडिंग ग्रोन इन अ नर्सरी, नर्सरी में आप सीड्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है. ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आता है इंस्टेंसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, कौन कौन सी चीजें जिनको एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं लिया जाएगा. तो सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉय को ऐसे बिजनेस में से जो कि एग्रीकल्चरल
इनकम है, जिस भी बिजनेस का एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें उस एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है, तो उसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट किया जाता है। हमने देखा पार्टनर्स को दिया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म में उनको सैलरी कमीशन दिया जा रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, इन दैट केस वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। डिविडेंड मिल रहा है ऐसी कंपनी से, जैसे समझ लीजिए मुझे डिविडेंड दे रही है एक ऐसी कंपनी जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रही है, तो मेरे को जो डिविडेंड मिल रहा है क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट किया जाएगा? नो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो। नेक्स्ट है, सॉल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है लैंड से सी वाटर के थ्रू, तो क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा? नो, नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बटर एंड चीज मेकिंग, ये सारे हमारे इनसे जो भी इनकम डराइव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं किया जा सकता। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है मनी लेंडर को इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? मनी लेंडर को। हमने देखा था अगर लैंड के ओनर को आप रेंट दे रहे हैं तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज एग्रीकल्चरल इनकम, और वो लैंड आप किस चीज़ के लिए यूज़ करने चाहिए? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए। लेकिन आपने मनी लिया है किसी से उधार में, उसके लिए आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाएगा, भले आप उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ही क्यों ना यूटिलाइज करें। ठीक है, और आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फॉर्म में भी भले दे दें तो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। प्रॉफिट मिल रहा है स्टैंडिंग क्रॉप से, उनको हार्वेस्ट करने के बाद उस क्रॉप्स को आप बेच रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और आपने वो क्रॉप्स परचेस किए थे, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। कोई भी रॉयल्टी इनकम मिल रही है माइन से, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। रेमुनरेशन दिया जा रहा है डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को, कौन से कंपनी के? जो कि एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रही है, तो उसको एग्रो इनकम नहीं ट्रीट किया जाता। ठीक है, भले ही आप जो भी रेमुनरेशन दे रहे हैं डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो नेट प्रॉफिट के परसेंटेज में भी क्यों ना दे, तब भी आप उसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, इनकम अर्न किया है कल्टिवेटर ने कन्वर्ट करके शुगर कैन को जैगरी में, मतलब शुगर केन को हमने गुड़ में कन्वर्ट किया है, तो ये हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली है। ठीक है, क्योंकि हम अगर शुगर केन को बेचना चाहें तो हम बिना मार्केटिंग एक्टिविटीज के भी उसको बेच सकते थे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट रिसीवेबल, मतलब हमने एग्रीकल्चरल लैंड के लिए रेंट देना होता है तो उसमें हमको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रेंट देने में देरी हो गई तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, क्या उसको एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट किया जाएगा? तो आंसर है नो। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, भले उसको एग्रीकल्चरल यूज क्यों ना कर रहे हो लेकिन वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। नेक्स्ट, एनविटी रिसीव हो रहा है ऐसे पर्सन से इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, हमको एनविटी मिल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करने से, वो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। देखिए, इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन पे हमको वाटर लगता ही है, तो उनके लिए भी अगर आप इनकम हो रही है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाएगी, भले ही आप वो जो भी वाटर के सप्लाई के लिए जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो एग्रो प्रोड्यूस ही क्यों ना हो। तो ये किसके लिए बात किया जा रहा है? जैसे समझ लीजिए मैं सप्लाई कर रही हूँ वाटर एक एग्रीकल्चर को, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल लैंड के लिए मैं वाटर सप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को जो इनकम होगी वो भले ही मुझे एग्रो प्रोड्यूस में क्यों ना मिले, फिर भी वो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही ट्रीट होगा। नेक्स्ट, ट्रीज और ग्रासेस जो कि बिना ह्यूमन एफर्ट के कहीं भी उग जाते हैं, ऐसे वाले ट्रीज और ग्रासेस अगर आप बेच रहे हैं तो वो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपने कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो ये सारे पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते ही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। हमने देखा कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपने अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में मार्केटिंग प्रोसेसेस की होती है, जिसके कारण
वो हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाता है, उसको आपको अलग करना पड़ता है पार्शली एग्रीकल्चरल एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट है और नॉन एग्रीकल्चरल भी पार्ट है। तो उसको अलग करने के लिए रूल नंबर 7 में आपको बता दिया गया है कि इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर कहलाएगा, इतना परसेंटेज नॉन एग्रीकल्चरल कहलाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है। देखते हैं सबसे पहले किसके लिए है। रूल नंबर 7A में बताया गया है असेसी जो भी ग्रो कर रहा है रबर और उसको बेच रहा है, ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर और उसको बाद में आप उसको बेच रहे हैं, इन दैट केस एग्रीकल्चरल इनकम 65% रहेगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 35% रहेगा। 7B1 में बताया गया आप कॉफी ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं इंडिया में, ये दोनों चीजें इंडिया में है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चरल इनकम 75%, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 25%। नेक्स्ट देखिए, कॉफी ग्रो हो रही है, क्योर हो रही है, रोस्ट हो रही है और ग्राउंड हो रही है बाय सेलर इन इंडिया विथ और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, भले उसमें डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चरल इनकम 60% होगी, नॉन एग्रीकल्चरल 40% होगी। दो कॉफी के केसेस हैं, यहाँ पे सिर्फ ग्रो और क्योर कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको रोस्ट भी कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो चेंज हो रहा है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है टी ग्रोन एंड सोल्ड इन इंडिया, टी ग्रो भी की जा रही है, उसको बेची जा रही है, तो 60-40% आता है, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस हैं, देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चंस करेंगे अगर तो और क्लैरिटी आएगी। बहुत इजी है इसको करना, इनके क्वेश्चंस कैसे होंगे समझ लीजिए। जैसे आपको रबर दिया हुआ है, ग्रो हो रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, आपको इनकम दे दी गई है, समझ लीजिए इससे इनकम हो रही है 7 लाख टोटल इनकम। अब इस 7 लाख को 65-35% है, तो 65% एज एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट किया जाएगा और 7 लाख का 35% आपका नॉन एग्रीकल्चरल ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिविजन होगा, बहुत ईजी है इसको ट्रीट करना, ठीक है। अब देखिए, ये तो कुछ स्पेसिफिक हो गए, रबर कॉफी एंड टी, ये तीनों का ही यहाँ पे बताया गया है। अगर इनके अलावा कोई और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आपका पार्शली एग्रीकल्चरल और पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल है, तो वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।